पिछले 66 दिन में पहली बार देश में 1,00,000 से कम कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और तो और देश में लॉकडाउन भी खत्म होने लगा है। लेकिन सावधान, अनलॉक का वेग जितना आपको है उतना ही कोरोना वायरस को भी है। कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई और तीसरी लहर की चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक है? ऐसे में बच्चे घर पर रहकर कोरोना से अपना बचाव कैसे करें? नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज सब बच्चे सीखेंगे कि घर पर रहकर कोरोना को कैसे हराया जाए। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसकी बार बार बात होती है वो क्या है? अपनी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना सोएं, कितना खेलें, कितनी एक्टिविटीज करें और कितनी पढ़ाई करें, और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखें। कोरोना का अटैक होता है सीधा लंग्स पर, तो अपने लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से इजी योगासन करें, प्राणायाम करें और कौन सा एक्यूप्रेशर करें, और साथ ही कुछ घरेलू नुस्खे यानी होम रेमेडीज। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि कोरोना की थर्ड वेव क्या सच में बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। कोरोना से संक्रमित होने पर किसी को भी अपना ट्रीटमेंट खुद नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही मेडिसिन लें। प्यारे बच्चों, कोरोना अभी गया नहीं है। हम जानते हैं कि कोरोना की अभी तक कोई दवाई नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी नहीं है, इसलिए अधिक सावधानी, अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। आइए कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, इम्यूनिटी बढ़ाएं और कोरोना को मिलकर हराएं। कोरोना को हराने के लिए मोस्ट एसेंशियल है कि आप स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। चलो बदलकर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। घर से बाहर जाने पर अगर आपको कोई आपका दोस्त मिल जाए तो आपस में उचित दूरी रखते हुए एक दूसरे का अभिवादन करें, और ये दूरी होनी चाहिए 2 गज या फिर 6 फीट की। सार्वजनिक स्थानों पर यानी भीड़ वाली जगहों पर भी सभी की सुरक्षा इसी में है कि 6 फीट की दूरी रखी जाए। घर पर बनाए हुए कपड़े के मास्क को हर समय पहनें। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। ऐसा करने से आप संक्रमित हो सकते हैं। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह को ढकें ताकि दूसरे बीमार ना पड़े। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि साबुन और पानी ना हो तभी 60% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। पब्लिक प्लेसेस पर कभी ना थूकें, इससे आप दूसरों को बीमार कर रहे हैं। जिन सर्फेसेस को आप हमेशा हाथ लगाते हैं जैसे हैंडल्स, स्विचेस, उनको सैनिटाइज करते रहें। बहुत इंपॉर्टेंट काम होने पर ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो आप कोविड को इनविटेशन दे रहे हैं। जो लोग कोविड से ग्रसित हैं, उनकी देखभाल करें। उनके खिलाफ लड़ाई नहीं है, बीमारी के खिलाफ लड़ाई है। यदि कोई सामाजिक समारोह स्थगित नहीं किए जा सकते तो मेहमानों की संख्या कम से कम रखें। भीड़ वाली जगहों से और फंक्शन से दूर रहें। यदि आपको कोविड-19 के रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो आप टोल फ्री नंबर 1075 पर कॉल कर सकते हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि बॉडी का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इम्यूनिटी वीक होने पर बॉडी किसी भी वायरस की चपेट में आसानी से आ सकती है। तो फिर बीमार होने का इंतजार क्यों करें? तो जानते हैं कि अपने खान पान में कौन कौन सी चीजों को शामिल करें जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए। घबराइए नहीं, आपको बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं। ये सब चीजें आपकी किचन में ऑलरेडी प्रेजेंट है। बस
जरूरत है इनकी इम्पोर्टेंस जानने की। बेरीज, प्याज, लहसुन, अदरक, गाजर और कद्दू में एंटीऑक्सीडेंट की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इन चीजों को डाइट में शामिल करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे वायरस से लड़ने में मदद मिलती है। इन ईटेबल्स में बहुत सारी क्वांटिटीज में विटामिन सी, बी और ई पाया जाता है। रेगुलरली इनका यूज करने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। संतरा, अमरूद, आंवला, बेरीज, नींबू आदि में विटामिन सी होता है और इससे इम्यूनिटी होती है बूस्ट। अलसी, चिया सीड, सेब, ओट्स, बाजरा, आलू, केला, लहसुन, कीवी जैसे प्रीबायोटिक फूड आंतों में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। डाइट में प्रीबायोटिक फूड को शामिल करने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है और वायरल इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। फर्मेंटेड फूड जैसे कि दही, घर के बने हुए अचार, कांजी, इन सब का सेवन करने से पेट की समस्याएं ठीक होती हैं और होती है हमारी इम्यूनिटी बूस्ट। जानिए कुछ सुपर फूड्स के बारे में जिनको अपनी डेली डाइट में शामिल करना इम्पोर्टेंट है। तुलसी तो हम सबके आंगन में है। तुलसी एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। तुलसी के पत्तों को सुबह खाली पेट खा लें, या फिर 5 पत्तों को 1 चम्मच शहद के साथ खा लें, या फिर काली मिर्च के 1 दाने के साथ 5 पत्ते तुलसी चबा लें। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है। इसमें कर्क्यूमिन नामक एक कंपाउंड होता है जो शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। रेगुलरली अपने खाने में हल्दी और काली मिर्च का प्रयोग स्वाद के साथ साथ इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, तो अपने खाने के साथ दूध में भी हल्दी का यूज करना ना भूलें। अलसी के छोटे छोटे बीज आपको कई तरह की बीमारियों के खतरे से बचाते हैं। ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारी की जोखिम से भी बचाते हैं। तो अलसी में ऐसा क्या है? इसमें है एंटी एलर्जिक सीलियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड। 1 चम्मच अलसी को गर्म दूध के साथ या फिर सलाद के साथ या फिर दही के साथ खा लें, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। साथ ही आप तुलसी, नीम, ग्रीन टी भी ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। स्टार एनिस यानी चक्रफूल, इसमें होता है शिमिक एसिड जो कि एंटीवायरल ड्रग्स में यूज होता है और इससे बहुत सारे रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है। तो स्टार एनिस को यूज करें अपने सूप, सब्जी वगैरह में। मुलेठी औषधि गुणों से भरपूर है। इसमें एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व मौजूद होते हैं और इसका यूज किया जाता है वायरल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो आप भी घर में चाय और काढ़े में मुलेठी का यूज करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों को 8 से 10 गिलास पानी रोज पीने के लिए कहा है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और हमारा टेम्परेचर नियंत्रित रहेगा। साथ ही साथ चीनी और नमक को कम मात्रा में लें। नमक 5 ग्राम से अधिक ना लें। जूसेस वगैरह रेडीमेड ना लें क्योंकि उनमें चीनी बहुत अधिक होती है जो हमें बीमार कर सकते हैं। अपनी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट शामिल करें। ये एवोकाडो, मछली, ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, फैटी मांस, नारियल, पनीर, घी और क्रीम में होता है। अपनी डाइट में कच्चे फलों, सब्जियों के साथ साबुत अनाज और मेवे भी लें। में हमेशा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही यूज करने चाहिए। डेली 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। प्यारे बच्चों, लॉकडाउन में आप सभी अपने पेरेंट्स के साथ किचन में हेल्प करवाएं और फॉलो करें कुछ किचन टिप्स। खाने से पहले फल और सब्जियों को पानी से अच्छे से धो लें। यूज करने से पहले और बाद में हर वस्तु को और हर सरफेस को धोने की आदत डाल लें। पक्के और कच्चे ईटेबल्स को अलग अलग रखें। बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाना सर्व ना करें। सब्जियों को ओवर कुक करने से बचें।
ज्यादा पकाने से इनमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। बॉडी की इम्यूनिटी के लिए विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए धूप में आधा एक घंटा कोई खेल खेल लें, थोड़ा सनबाथ कर लें, या फिर इसके लिए दवाइयां ले लें, तो फैसला आपके लिए है कि आप विटामिन डी धूप से लेंगे या फिर मेडिसिन। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ सजेशंस दिए हैं। देखते हैं क्या है ये इम्पोर्टेंट टिप्स। सुबह गर्म पानी पिए, डेली योगासन का अभ्यास करें, कम से कम 30 मिनट तक प्राणायाम और योगासन जरूर करें। खाना पकाने में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का इस्तेमाल करें। रोज सुबह 10 ग्राम च्यवनप्राश का सेवन करें। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और मुनक्का का काढ़ा बनाकर दिन में एक या दो बार पिएं। जरूरत के अनुसार इसमें गुड़ या नींबू का रस भी मिला सकते हैं। हल्दी मिला दूध पिएं। जुकाम होने पर तिल के तेल या नारियल तेल या फिर घी को दोनों नासिका छिद्रों में लगाएं। इससे आपको जुकाम नहीं होगा। एक चम्मच तिल तेल या नारियल तेल को मुंह में भरें, 2-3 मिनट तक इसको मुंह में घुमाएं और फिर गुनगुने पानी से कुल्ला करें। ऐसे बैक्टीरिया अगर मुंह के अंदर प्रवेश कर गया है तो यही समाप्त हो जाएगा। हल्की खांसी या गला खराब होने पर ताजा पुदीना या अजवाइन की भाप दिन में एक दो बार लें। गले में खराश या खांसी होने पर लौंग पाउडर को शहद या शक्कर मिलाकर दिन में 2-3 बार ले लें। लेकिन सावधान, यदि आप में बीमारी के कोई भी लक्षण है, खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। बच्चों, कोरोना काल में हम सब बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। घर में बंद रहने पड़ रहा है, दोस्तों के साथ नहीं मिल सकते, खेलने बाहर नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते, स्कूल नहीं जा सकते, होमवर्क में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इन सब का रिजल्ट है फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स। कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी बहुत उदासी छा जाती है, ठीक से नींद नहीं आती, किसी भी काम में मन नहीं लगता, हमेशा थकावट रहती है और भूख भी कम लगती है। तो घबराएं नहीं, अपने घर के बड़ों से इस बारे में बात करें, अपने टीचर से डिस्कस करें या फिर स्क्रीन में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। आपको इसका समाधान जरूर मिल जाएगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश करें, बैलेंस डाइट लें और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया के जरिए, फोन के जरिए कॉन्टेक्ट में रहें। अच्छी नींद भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखें। उनके साथ खूब सारी एक्टिविटीज करें, घर में रहने वाली खेलें खेलें और हमेशा उनके साथ डांट डबट ना करते रहें। क्या कोरोना की तीसरी लहर बच्चों पर बरपाएगी कहर? कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के सर्वाधिक संक्रमित होने की खबरों चर्चाओं के बाद एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि भविष्य में कोविड-19 की लहर में बच्चे गंभीर रूप से संक्रमित होंगे। देखा गया है कि जब घर में बड़े कोरोना से संक्रमित होते हैं तो बच्चे भी उससे बच नहीं पाते। तो ऐसे में बच्चों, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने घर के सभी बड़ों को वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करें। जब बड़े सेफ होंगे तो बच्चे खुद ब खुद सेफ हो जाएंगे। योग सही तरीके से जीने का साइंस है, इसीलिए हमें इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। योग हमारी फिजिकल बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल है और साथ ही साथ ये हमारे मानसिक और भावात्मक स्तरों पर भी काम करता है। आजकल के तनावपूर्ण समाज में स्वास्थ्य बनाए रखने का मुख्य साधन योग ही है।
ये बुरी आदतों की स्वभाव को पलट देता है, जैसे कि सारा दिन कुर्सी पर बैठना, मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना, व्यायाम ना कर पाना और गलत खान पान की आदतें। बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए जितना राइट फूड इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है राइट टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो बच्चों, आज से शुरू करें योग और अपनी मानसिक, भौतिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सेहत में सुधार लाएं। योग के बारे में अधिक जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर सोनम शर्मा से। ये धन्वंतरम केरला आयुर्वेदा हमीरपुर की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड चिकित्सक होने के साथ साथ एक वेल नोन योगा ट्रेनर भी हैं। डॉक्टर सोनम, हमें बताएं। डॉक्टर सोनम, कोरोना काल में योग हमारे बच्चों के लिए किस प्रकार हेल्पफुल है? नमस्कार आप सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर सोनम शर्मा, आयुर्वेदाचार्य BMS एंड CRAB फ्रॉम नेत्र चिकित्सक। आज इस पैंडमिक के दौर में, इस महामारी के दौर में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के बहुत सारे लक्षण सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक जो मेन लक्षण है कि ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन के स्तर का कम होना, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है और मृत्यु दर बढ़ता है। तो हम आज आयुर्वेद के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे और आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि आयुर्वेद में योग और प्राणायाम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले सुखपूर्वक आसन ले लेंगे। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सुखासन होता है कि सिंपल ऐसे बैठना, और पद्मासन अलग सके तो वो बड़ी अच्छी बात होगी। अर्ध पद्मासन इस प्रकार से और पूर्ण पद्मासन इस प्रकार से। तो अगर पूर्ण पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन जो लगा सकते हैं, नहीं तो सिंपल पालथी मार के सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले, सर्वप्रथम प्राणायाम शुरू करने से पहले हमें ओम का उच्चारण 3 बार करना है, और बिल्कुल हमें ज्ञान मुद्रा इस प्रकार से रख के, कमर सीधी होनी चाहिए। और जब हम उच्चारण करने से पहले एक बार हम श्वास अंदर भरेंगे, जब हम छोड़ेंगे तो धीरे से हम ओम का उच्चारण करते हुए छोड़ेंगे इस प्रकार से। श्वास लेते वक्त पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे से श्वास छोड़ेंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। इससे हमारा मन स्थिर, शांत और हम प्राणायाम के लिए एक तरह से तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम जो है, ये हमारे लंग्स के लिए, हमारे लंग्स के मतलब जितने भी कंडीशंस, उन सबके लिए बड़ा ही अच्छा माना गया है। हमारी जितनी भी चेस्ट इन्फेक्शंस हैं उनको क्लियर करता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालता है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने जब श्वास लेते हैं तो हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हैं इस प्रकार से, और जब श्वास छोड़ते हैं तो नीचे को इस प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा जोर लगाते हैं। जितना तेजी से कर सकते हैं उतना तेजी से करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो शुरुआती में जब जो बिगिनर्स हैं वो आराम से कर सकते हैं इस प्रकार से। फेफड़ों में आराम से पूरी ऑक्सीजन भरनी है और बाहर को निकालनी है, इस प्रकार से भस्त्रिका किया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं भ्रामरी की। भ्रामरी एक हमिंग बी की तरह आवाज निकालनी होती है, जिसे जो हमारी मधुमक्खी है या कोई भी बी है तो वो एक आवाज निकालती है, उस प्रकार की आवाज जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। और इसके लिए भी हमें सबसे पहले श्वास अंदर लेना है और आंखों को और कानों को बंद करना है। जब हम आंखों को इस प्रकार से बंद करते हैं और अंगूठे से कानों को बंद करते हैं तो जो हम आवाज प्रोड्यूस करते हैं, म का उच्चारण करते हैं, वो गूंजता है, उसकी गूंजने की आवाज आती है। तो इस प्रकार से कई लोग बस आंखों को कवर करना है, कई लोग जो है उसमें ऐसे बोलते हैं कि एक फिंगर जो है ऊपर रखनी है, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं और दोनों ही तरीके जो है वो उचित हैं। कानों को इस प्रकार से बंद करना है, श्वास भरेंगे, कानों को बंद करेंगे, hmm.
प्रकार से भ्रामरी की जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए अपने हाथ के अंगूठे से अपने एक तरफ की नासिका दबाएं और दूसरी तरफ से गहरा लंबा सांस भरें। कुछ समय तक रोकें और फिर दूसरी तरफ से उंगलियों की मदद से उस सांस को छोड़ दें। जहां से सांस छोड़ा है अब वहीं से दोबारा सांस भरें। कुछ समय के लिए रुकें और अंगूठे से दबा दें और दूसरी तरफ से सांस छोड़ दें। जहां से सांस छोड़ी है वहीं से लंबी गहरी सांस भरें, रोकें और दूसरी तरफ से छोड़ दें। इस प्रक्रिया को 5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक दोहराएं। हमारा कपालभाति प्राणायाम ये भी हमारे फेफड़ों को तो स्ट्रेंथ देता ही देता है, उनको ताकतवर बनाता है, साथ में पेट की समस्याओं को भी दूर करता है। तो इसके लिए भी इस प्रकार बैठेंगे, सांस भरेंगे एक बार, उसके बाद उसको छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। आपके जो शोल्डर्स हैं, कंधे हैं, वो साथ में उठने नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो पेट है वो कार्य करे। खड़े होकर करने वाले आसन, उसके लिए सीधे खड़े हो जाएं। ऊपर को श्वास भरना है तो हमें अपने हाथ जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाना है, अपने बाजू अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ लेके जाना है, जब छोड़ना है तो नीचे की तरफ जाना है। जब ऊपर की तरफ श्वास भरेंगे तो हमारा जो ये हील एरिया है हमें पंजों के बल खड़े होना है। इस प्रकार से श्वास को छोड़ना है, फिर ऊपर ले जाएंगे, करते हैं त्रिकोण आसन। सबसे पहले सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और दोनों पैरों के बीच में गैप रख लें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए एक तरफ को झुकें। अपनी गर्दन ऊपर वाले हाथ की तरफ रखें और आसमान की तरफ देखते रहें। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधे हो जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दूसरी तरफ को झुकें और ऊपर की तरफ देखें जो हाथ आसमान की तरफ है। सांस लेते हुए सीधे हो जाएं। इस आसन को 5-6 बार करें। आइए प्रैक्टिस करते हैं सूर्य नमस्कार आसन समता व्यास मैम के साथ। पैरों में 2 इंच का गैप छोड़ते हुए सीधे खड़े हो जाएं। गहरी सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ें और अब सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकें। हाथों को जमीन से लगाने की कोशिश करें। सांस लेते हुए एक टांग को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए दूसरी टांग को पीछे ले जाएं और शरीर को ऊपर उठाएं। अब सांस लेते हुए नीज, चेस्ट, हैंड्स और चिन को जमीन पर लगाएं। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को अपने हाथों पर ऊपर उठाएं। एक्सहेल करते हुए हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं। फिर से इनहेल करते हुए अब दूसरी टांग को आगे लाएं। अब एक्सहेल करते हुए दोनों टांगों को ऊपर उठाएं, हाथों को जमीन से लगाएं और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ले जाएं ऊपर की तरफ कमर के पीछे। एक्सहेल करते हुए वापस प्रणाम की मुद्रा में आएं। After learning it properly, let's practice it together. अपना इलाज अपने हाथ। योगासन और प्राणायाम सीखने के बाद आओ बच्चों अब हम सीखें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर। आज हम एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस में कई अलग अलग पैथीज जो है वो काफी हेल्पफुल हो रही हैं, एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट हो चाहे मेन ट्रीटमेंट हो, उनमें से एक पैथी है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का मतलब है कि हमारे जो शरीर में अलग विभिन्न बिंदु हैं उनके ऊपर प्रेशर दबाव के द्वारा
लोगों का इलाज किया जाता है। तो एक्वाप्रेशर में जो है 1000 बिंदु जिन्हें एक्वापाइन कहा जाता है उनका वर्णन किया गया है। तो ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि अगर इन पर चोट लगे तो ये बहुत डेंजरस सीरियस भी हो जाते हैं शरीर के लिए, और साथ में अगर इनको दबाया जाए, इनको एक इलाज के तौर पर यूज किया जाए तो ये काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं और हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम कुछ प्रेशर्स के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छे से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हाथ के ऊपर, हैंड के बारे में बात की जाए तो ये एक पॉइंट है, तर्जनी और मिडिल फिंगर जो है, इंडेक्स और मिडिल के बीच में ये जो पॉइंट है, और इसके साथ ही जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको सर्कल किया गया है, अगर मैं हाथ में बताऊं तो हाथ में हमारा ये पॉइंट है इसके बीच में, और इसके बीच में और इसके साथ में ये नीचे वाला जो पॉइंट है ये हमारे लंग्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है। तो अगर हम इसको एक प्रेशर के तौर पर इसको दबाएं ऐसे, और इसी प्रकार से ये फुट में भी रहता है, तो फुट में भी हमारे थंब के साथ जो फिंगर है उसके और उसके नेक्स्ट फिंगर के बीच में जो ये एरिया है उसको मार्क कर लेंगे तो उसमें ऐसे इस प्रकार से होगा। तो इसको दबाने से जो है हमारे लिए लंग्स के लिए हमारे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसको हमने कोई भी मतलब जितना हम सहन कर सकते हैं उतना ही प्रेशर रखना है। सेकेंडली हमारा जो फुट है, फुट के साथ जो हमारा ये एडी है, एंकल जॉइंट जो है, 1, 2, 3, 4 के ऊपर जो ये पॉइंट आएगा, इसको वैसे एक्वाप्रेशर की पद्धति में इसको त्रिवेणी भी कहा गया है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम है, सेम वे ये हमारी किडनी, लीवर और स्प्लीन, इन तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही अगर हम लेग के थोड़ा सा ऊपर जाएं जहां पर ये पटेला है, ये पटेला और लेग से बस इससे 4 फिंगर्स नीचे आएंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा प्रेस करना हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। प्रेस करना 7 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं। अब जाने ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जिसमें अगर कोविड का पेशेंट बहुत परेशानी में है और हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो रही है तो उसको नई एनर्जी मिलेगी। ये एल्बो है, एल्बो में हमारे ये जो थंब है, थंब से जो अगर हम बात करें, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये बीच में मिडल, इनके बीच में आएगा और ये एल्बो के पास, मतलब जहां पर ये बेंड पड़ता है हमारा, ये बेंड, ये इस बेंड पे ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, इसको हमने रब करना है और प्रेशर देना है इन पॉइंट्स पर। तो जब हम इसको रिगरसली रब करेंगे, प्रेशर पॉइंट क्रिएट करेंगे, तो इससे हमें काफी हेल्प मिलेगी। आइए सीखें ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट जो काम करेगा पेन किलर का। हमारे हाथ के पास ये, इसको हम आयुर्वेद की भाषा में क्षिप्रमर्म कहा जाता है, ये भी इसी प्रकार से जहाँ ये बेंड पड़ता है, जैसे हम अगर अपने इंडेक्स फिंगर को और थंब को मिलाएंगे आपस में, तर्जनी को और अंगूठे को, तो इसके बीच में ये बेंड पड़ेगा, बस इस पॉइंट को ऐसे पकड़ लेंगे, इसको दबाने से लगातार, तो ये एज अ पेन किलर की तरह हमें रिलीफ देता है। ऑक्सीजन लेवल गिर रहा हो तो पेशेंट करें ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट और ऑक्सीजन लेवल में सुधार करें। हाथ है, हाथ के साथ जो हमारे ऊपर हमारे फिंगर के बड्स हैं, इनको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस प्रकार से अगर हम इनको प्रेशर देकर दबाते हैं 7 से 8 सेकंड के लिए, तो हमें टाइम लगेगा हर एक इसके लिए। इस तरह से 10 फिंगर टिप्स को और 10 टोज के टिप्स को क्लॉकवाइज प्रेस करके घुमाने से ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करने में मदद मिलती है।